फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं वोकैबुलरी रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो स्क्रीन पर वर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में आर साइलेंट हो जाता है। ब्रिटिश प्रोनंसिएशन होगी अनफल और अमेरिकन प्रोनंसिएशन होगी अनफर्ल, यानी कि अमेरिकन प्रोनंसिएशन में आर की साउंड आएगी। इसका मतलब होता है फहराना, सैल्यूट, सलामी देना, कस्टम, रिवाज, यूनिटी, एकता, ग्लिम्प्स, झलक, लेजेंडरी, सुप्रसिद्ध, जॉयफुल, आनंदपूर्ण, फ्रीडम, आजादी, होएस्ट, फहराना, स्लेवरी, गुलामी, पैट्रियोटिक, देशभक्ति पूर्ण, फायरवर्क, आतिशबाजी, स्लेव, गुलाम, रूल, नियम, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, सैक्रिफाइस, त्याग, कैनन, तोप, लिबर्टी, कानूनी हक, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, रिसाइट, गाना। हम नेशनल एंथम के लिए रिसाइट का यूज करते हैं, ना कि सिंग का। कॉलोनियल एरा, अंग्रेजों का समय। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।